So friends, please settle down. We would start the next session. Honorable Minister has already arrived, so we would make the beginning. मैं आदरणीय राधामोहन जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए. I would also request the speakers, Dr. Professor Damodaran and Dr. Anbu Mozi to join us here. The session would be chaired by Dr. Bajrang Lal Ji Gupta. मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए. तो अब हम ये सत्र प्रारंभ करेंगे. मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें, माननीय बजरंग लाल जी, और फिर हम सत्र प्रारंभ करेंगे. आदरणीय राधामोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित दो अन्य विद्वान वक्ता जिनको आप क्रमशः सुनेंगे, और सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे ये कहा गया है कि ये सत्र दो विषयों पर केंद्रित रहेगा. कहा गया है तो आपकी मर्जी है किस पर केंद्रित रहता है, क्योंकि पिछले सत्र में महेश जी कह रहे थे कि पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट की बात थी, पर चूंकि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक है तो किसी भी विषय पर कोई भी बोल सकता है. पर मैं वो जो इस सत्र के लिए दो विषय दिए वो पढ़ करके बता देता हूँ आपको. एक दिया हमको प्रमोट सस्टेनेबल इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल. ये जो आपको दिया है उसमें आठवें क्रमांक का विषय है, और क्रमांक 12 इसका दिया है एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स. ऐसे ये दो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आयोजकों ने दिए हैं, ऐसे ये सत्र के लिए ये दो विषय हैं. विषय के संबंध में मेरी अपनी समझ तो बहुत कम है, इसलिए मैं दीनदयाल जी का सहारा लेकर के ही कुछ बातें कहूंगा, और दीनदयाल जी मुझे कितना समझ में आया वो भी कठिन है, क्योंकि दीनदयाल जी को समझने के लिए भारतीय मानस चाहिए. हम लोगों ने जो पढ़ाई लिखाई की है उसका एक बड़ा भारी परिणाम ये हुआ है, धीरे धीरे भारतीय मानस से हम अलग हो गए, माइंडसेट भारतीय नहीं रहा. और दीनदयाल जी का मेजर कंट्रीब्यूशन ये था, अगर हम देखेंगे जब उन्होंने एकात्म मानववाद का कॉन्सेप्ट दिया तो उस समय पर संपूर्ण पैराडाइम जिसकी चर्चा हो रही थी वेस्टर्न था,
थॉट प्रोसेस में चिंतन के धरातल पर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर जितने एकेडमिक डिस्कशंस होते थे, पेपर प्रेजेंटेशंस होते थे, जितनी रिसर्च होती थी, सब वेस्टर्न पैराडाइम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पर होती थी। मैं भी कुछ सेमिनार्स में जाया करता था कभी कभार, अभी तो ऐसी सेमिनार के अतिरिक्त बाकी में जाने का मौका कम मिलता है, तो वास्तव में उस समय पर वेस्ट ही वेस्ट के साथ बहस कर रहा होता था। एक विद्वान दूसरे विद्वान को क्रिटिसाइज करता था पर पैराडाइम वही रहता था, कॉन्सेप्ट वही रहते थे, टर्मिनोलॉजी वही रहती थी। दीनदयाल जी ने यह साहस किया 1965 में इस सारे वैचारिक बहस में भारत को उपस्थित किया, और इसलिए दीनदयाल जी ने कहा भारत की तमाम समस्याओं का समाधान भारत के सांस्कृतिक जीवन मूल्यों में से होगा। और ये कहने के साथ साथ दीनदयाल जी ने ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जो अंग्रेजी में नहीं थी, और अंग्रेजी में उन टर्मिनोलॉजी का ट्रांसलेशन करना भी संभव नहीं है, ऐसी टर्मिनोलॉजी दी उन्होंने। उस टर्मिनोलॉजी को वर्तमान संदर्भ में हमको समझना पड़ेगा। मैं पहले थोड़ा सा कि जो सस्टेनेबल शब्द है, ये सस्टेनेबल शब्द कितना सस्टेनेबल है, ये मेरे मन में सवाल है, आप लोग विद्वान लोग बताना उसका। व्हाट वी वांट टू सस्टेन, प्रेजेंट ग्रोथ रेट, प्रेजेंट डेवलपमेंट मॉडल, प्रेजेंट कंजम्पशन पैटर्न, प्रेजेंट प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, प्रेजेंट लाइफ स्टाइल, प्रेजेंट टेक्निक टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी, व्हाट वी वांट टू सस्टेन इट। तो इसलिए सस्टेनेबल शब्द भी अधूरा है। 17 जो गोल्स दिए हैं उसका डायमेंशन बड़ा है परंतु ये अधूरा है। हिंदी में इसके 3 ट्रांसलेशन उपलब्ध है सस्टेनेबल के। कुछ लोगों ने इसको टिकाऊ विकास कहा, कुछ ने इसको स्थायी विकास किया, और कुछ ने इसको सतत विकास कह दिया। तीनों ही शब्द अधूरे हैं। मैंने इसके लिए शब्द प्रयोग किया धारण क्षम विकास, इट्स ए वाइडर कॉन्सेप्ट। और धारण शब्द क्यों किया, धरती धारण क्षम और धर्म ये तीनों ही ध्री धातु से निकले हैं। संस्कृत में धातु का बड़ा, किसी टर्मिनोलॉजी में धातु का बड़ा महत्व है, ध्री धातु से निकले हैं, और ध्री धातु के 3 अर्थ है, टू अपहोल्ड, टू सस्टेन, टू नरिश, 3 अर्थ है उसके। यहां इसमें तो एक ही अर्थ आ रहा है सस्टेनिंग, टू अपहोल्ड नहीं आ रहा है, टू नरिश नहीं आ रहा है। इसलिए हमको जरा इस कॉन्सेप्ट के बारे में विचार करते समय पर भी कभी कभी अगर हम शब्दावली में अपनी भारतीय शब्दावलियों में बात कहेंगे तो जो हम कहना चाहते थे वो कह पाएंगे, असंकट यही है। मैंने पिछले सत्र में नहीं हुआ परंतु आज संकट यही है, सारे डेवलपमेंट मॉडल का संकट यही है, वो जो कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे बेचारे, शब्दावली नहीं उनके पास में, टर्मिनोलॉजी उपलब्ध नहीं है। कभी प्रोग्रेस कहते हैं, कभी ग्रोथ कहते हैं, कभी डेवलपमेंट कहते हैं, कभी ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, कभी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं, और अब एक नया शब्द चल पड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट। पर सब शब्दों के देते समय शब्दों के देने वाले लोग ये स्वीकार कर रहे हैं, हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पा रहे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़िए, वो यही कहते हैं बेचारे, ह्यूमन डेवलपमेंट शब्द तो दे दिया हमने, 3 चीज़ों को मिलाकर शब्द दे दिया, हर बार गोल बदल देते हैं वो, क्योंकि जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पा रहे। इतने भारतीय शब्दावली में बड़ा दम है, हम उसका सेमिनार्स में डिस्कशंस में उन शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे तो अपनी बात को अधिक अच्छे प्रकार से रख सकेंगे। अब मैं विस्तार में नहीं जाता, दीनदयाल जी की 2 प्लेन्स वाली किताब हमने अनेकों ने पढ़ी होगी। दीनदयाल जी ने डेवलपमेंट के बारे में, दीनदयाल जी कैसा आर्थिक विकास का मॉडल चाहते थे, दीनदयाल जी कैसी योजनाएं चाहते थे, उस पर बड़ा सटीक कमेंट 2 प्लेन्स में दीनदयाल जी, मैं दीनदयाल जी को ही कोट कर रहा हूं, 2-3 उनके वाक्यों को कोट करूंगा। पहला है, उन्होंने वो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि
इन योजनाओं में प्लानिंग कमीशन ने भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में ही नहीं रखा। वो लिखते हैं, कोट, इट इज नाउ रियलाइज दैट फ्रॉम कंसेप्शन टू इंसेप्शन, द सेकंड प्लान के बारे में वो बोल रहे हैं, हैज बीन बेस्ड ऑन स्पेकुलेटिव एस्टिमेट्स ऑफ पॉसिबल रिसोर्सेज विच हैड नो रिलेशन टू रियलिटीज, अजम्पशंस ऑन विच द प्लान हैज बीन बेस्ड आर मोर ऑफ विशफुल थिंकिंग। दीनदयाल बोल रहे हैं, दीनदयाल जी उसके आगे कहते हैं, कोट, नॉट ओनली इन एग्जीक्यूशन, बात चल रही थी ना यार की एग्जीक्यूशन, नॉट ओनली इन एग्जीक्यूशन बट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड फिक्सिंग अपॉन प्रायोरिटीज, ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ ऑल आवर इकोनॉमिक लाइफ एंड बॉडी पॉलिटिक हैज नॉट बीन टेकन इन टू अकाउंट। इफ इन ऑल सिंसियरिटी ऑल दी स्कीम्स वर टू बी इंप्लीमेंटेड, देखिए बड़ा सशक्त कमेंट है दीनदयाल जी का, इफ इन ऑल सिंसियरिटी ऑल स्कीम्स वर टू बी इंप्लीमेंट दे वुड क्लैश विद ईच अदर एंड क्रिएट ए कन्फ्यूजन वर्स कन्फाउंडेड। वो दीनदयाल जी बोल रहे हैं, आप कौन सी योजनाओं की बात कर, कौन सी पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्टरी है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसे चाइल्ड जूस बोल दिया गया ना, प्रायोरिटीज का ध्यान में रखा। फिर दीनदयाल जी ये जो डेवलपमेंट की और प्लानिंग की डायरेक्शन के बारे में गंभीर सवाल उठाते हैं दीनदयाल जी, वो बोलते हैं, कोट, वी हैव ऑल्सो टू डिटरमाइन एंड डिसाइड वेदर इकोनॉमिक प्लानिंग शुड बी subservient to social and political planning or the social and political values should be a function of economic values, बहुत महत्व की बात कही है उन्होंने, should we aim at economic welfare sacrificing our democratic values and human and cultural values, ये सवाल उठाते हैं दीनदयाल जी। तो दीनदयाल जी के संदर्भ में ये जो development की बात और sustainability की बात करते समय हम कहेंगे, अब आठवें और बारहवें पर थोड़ा सा दो दो चार चार लाइन में बोलूंगा। दीनदयाल जी ने इन सब विषयों को समझाते समय सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल शब्द तो आज के ज़माने में आ गया, दीनदयाल जी के ज़माने में नहीं था, पर उस भाव को आप ले लीजिए, उनका एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन और कंजम्पशन के संबंध में दीनदयाल जी का क्या कहना था। तो दीनदयाल जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसका नाम है अर्थायाम। अर्थायाम में उन्होंने ये सब बातों की दिशा दे दी, क्या करना चाहिए, क्या है अर्थायाम। तो दीनदयाल जी ने दो प्रकार से अर्थायाम को समझाया, एक कहा न अर्थ का अभाव रहना चाहिए न अर्थ का प्रभाव रहना चाहिए। पिछले सेशन में बात आ रही थी ना कि पावर्टी कैसे मिटेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मिटेगा, इनइक्वालिटी कैसे मिलेगा, दीनदयाल जी कौन से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की कल्पना करते हैं, अर्थ का अभाव नहीं चाहिए। अर्थ का अभाव रहेगा तो बिलो पावर्टी लाइन लोग रहेंगे ना, दीनदयाल जी को ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इकोनॉमिक पॉलिसी पसंद नहीं था जिसमें अर्थ का अभाव, पर्याप्त अर्थ चाहिए आपका, अर्जन करना है ना, अर्थ चाहिए ना आपका। परंतु दीनदयाल जी ही ये कहने का साहस कर सकते थे, अर्थ का प्रभाव भी नहीं चाहिए, अबंडेंस ऑफ वेल्थ भी नहीं चाहिए, अगर आवश्यकता से ज़्यादा अर्थ हो गया है तो लग्जूरियस लाइफ आएगा ना, कंज्यूमरिज्म आएगा ना, और दीनदयाल जी शब्द प्रयोग करते हैं धर्म की हानि होगी दोनों जगह पर, अर्थ के अभाव में भी और अर्थ के प्रभाव में भी, ये दोनों होगा तो किसकी हानि करेगा, धर्म की। धर्म की पीछे चर्चा चल रही थी, धर्म ही दृढ़ धातु से बना है, धर्म का अर्थ रिलीजन पूजा पाठ नहीं है, जो मैंने बताया वो अर्थ है। तो दीनदयाल जी ने कहा कि इस प्रकार का हम अर्थायाम लाना चाहते हैं। एक और भी प्रकार से दीनदयाल जी ने अर्थायाम को समझाया है, जिसमें तीन चीज़ों का उन्होंने संतुलन और समन्वय बिठाने की बात की, प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यही तीन मेजर एक्टिविटीज होती है। तो दीनदयाल जी क्या कहते हैं, अर्थायाम मैं किसको कहूँगा, उत्पादन की वृद्धि हो, उत्पादन बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, पर उन्होंने पर लगाया, वो बड़ा महत्व का है। दीनदयाल जी कहते हैं देश में उत्पादन तो बढ़ना चाहिए परंतु प्रकृति के साथ उच्छृंखलता करके उत्पादन नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। दीनदयाल बोल रहा है 65 में, आज एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं ना, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना,
ये कैसे हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, दुनिया के तमाम देश जो कहते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा है, हमारी जीडीपी ज़्यादा है, हम बड़े संपन्न देश हैं, इतना उत्पादन हमारे यहाँ पर हो गया, उन्होंने सब प्रकृति की उच्छृंखलता करके कहा। तो दीनदयाल जी ने कहा उत्पादन बढ़े परंतु एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचर के द्वारा उत्पादन नहीं बढ़े, ये दीनदयाल बोल रहा है। और दीनदयाल ने दूसरा कहा उत्पादन करके गोदामों में रखते चले जाएंगे क्या, आर्टिफिशियल स्केरसिटी खड़ी कर देंगे क्या, फिर तो महंगाई बढ़ेगी ना, गरीब आदमी को कैसे मिलेगा जो कुछ उत्पादन हो गया, वो तो कंसंट्रेशन होगा ना। तो दीनदयाल जी बोलते हैं उत्पादन में वृद्धि हो पर वितरण की समानता हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसके लिए पॉलिसीज बनाना पड़ेगा, उत्पादन की वृद्धि और वितरण की समानता ये साथ साथ चले। पिछले सत्र में जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात हुई इसीलिए हुई, दीनदयाल जी मास प्रोडक्शन में नहीं, प्रोडक्शन बाई दी मासेज में विश्वास करते थे। दीनदयाल जी कहते थे डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा तो जहां उत्पादन होगा वहीं वितरण हो जाएगा, जहां जरूरत है वहीं सामान बन जाएगा ना।